हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज रूबरू बिहार में हम बात करेंगे बिहार के पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी आज के दौर के सबसे तेजी से उभर रहे प्रभावशाली अभिनेता हैं। बिहार के गोपालगंज जिले से नाता रखने वाले पंकज त्रिपाठी आज फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है। पंकज त्रिपाठी ने अपनी मेहनत के बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में एक नया पहचान बनाया है। बिहारी पहचान के इस श्रेणी में आज हम बात कर रहे हैं बिहार के छोटे से गांव से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री का चहेता नाम बनने वाले पंकज त्रिपाठी का, जिन्हें उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पंकज त्रिपाठी का प्रारंभिक जीवन। पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के गोपालगंज के बेलसंड में एक किसान परिवार में हुआ था। पंकज के पिता पंडित बनारस त्रिपाठी और माता हेमवंती देवी हैं। पंकज त्रिपाठी ने वर्ष 2004 में मृदला से शादी की और उनसे उन्हें एक बेटी भी है। पंकज त्रिपाठी ने अपने गांव में होने वाले विभिन्न नाटकों में महिला नर्तकी का किरदार निभाया था, जिससे उनके अंदर छिपी अभिनय प्रतिभा बाहर आई थी। और उसके बाद पंकज त्रिपाठी ने अपने गांव से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी की। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद पंकज पटना आ गए और उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। पंकज त्रिपाठी ने पटना में एक होटल में भी काम किया था। लगभग 7 साल तक पटना में रहने के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया और 2004 में उन्होंने वहां से स्नातक किया। स्नातक उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया था। पंकज ने छात्र जीवन में राजनीति भी खूब की। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया और उनके साथ जुड़े भी रहे थे। आइए अब बात करते हैं पंकज त्रिपाठी के कैरियर के बारे में। पंकज त्रिपाठी ने स्नातक के बाद मुंबई की तरफ रुख किया, जहां उन्हें 2004 में ही अभिषेक बच्चन अभिनीत रन फिल्म में एक छोटा सा किरदार मिल गया। इस फिल्म में उन्होंने विजय राज को घुमाने वाला किरदार को निभाया था। पंकज त्रिपाठी ने लगभग काफी 8 सालों तक संघर्ष किया और फिर उन्हें पहचान मिली बिहार के परिदृश्य पर बनी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर से। 2012 में आई गैंग्स ऑफ वसेपुर पंकज के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बनी। गैंग्स ऑफ वसेपुर में कसाई के किरदार में पंकज त्रिपाठी को खूब सराहा गया। इस फिल्म से पहले पंकज त्रिपाठी ने अपहरण, ओमकाड़ा, मिथ्या, शौर्य, आक्रोश, अग्निपथ जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंकज त्रिपाठी ने अपने कैरियर में ज्यादातर नकारात्मक भूमिका ही निभाए हैं। पंकज त्रिपाठी ने बाद में सभी तरह के किरदार में हाथ आजमाया। उन्होंने कई फिल्मों में कॉमेडी भी किया। 2017 में आई फिल्म बड़ेली की बर्फी में पंकज त्रिपाठी ने एक मिठाई वाले की भूमिका निभाई, जिसमें उनकी बोली मिठाई से भी ज्यादा मीठी लगती थी। पंकज त्रिपाठी ने सभी जोनर की फिल्में की है। उन्होंने सिंघम रिटर्न्स में अल्ताफ का महत्वपूर्ण किरदार निभाया। वहीं उन्होंने मांझी द माउंटेन मैन में जमींदार के बेटे के किरदार को जीवंत कर दिया था। पंकज त्रिपाठी ने टीवी में भी काम किया है। उन्होंने 2015 में आई सरोजनी एक नई पहल शो में काफी प्रभावशाली किरदार निभाया। 2017 में राजकुमार राव अभिनीत फिल्म न्यूटन आई थी, जिसमें उन्होंने फौजी आत्मा सिंह का किरदार निभाया। इस किरदार में बेहतरीन अभिनय के लिए पंकज त्रिपाठी को 2017 के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वहीं न्यूटन को वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए नामांकित किया गया और उसको नवाजा भी गया। इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को स्पेशल मेंशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।